हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन। तो सिट्रिक एसिड की प्रोडक्शन करेंगे हम बाय यूजिंग फर्मेंटेशन प्रोसेसेस। ठीक है, देखिए सिट्रिक एसिड हमारे पास क्या होता है, दिस इज C6H8O7। ये हमारे पास एक वीक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, और ये मोस्टली आपके पास जो हमारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। जैसे हमारे पास संतरे होते हैं, ठीक है, लेमन है आपके पास, उनके अंदर जो है वहाँ पर आपको सिट्रिक एसिड मिलेगा। तो देखिए सिट्रिक एसिड को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम फर्मेंटेशन प्रोसेस का यूज़ करेंगे। ठीक है, वी विल यूज़ द फर्मेंटेशन प्रोसेस टू फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड। तो देखिए पहली चीज़, स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास सिट्रिक एसिड का, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिट्रिक एसिड। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H8O7। 6 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है, 7 आपके ऑक्सीजन है। ठीक है, दिस इज वीक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप है हमारे पास। तो ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए सिट्रिक एसिड का हम यूज़ कहाँ करते हैं, ये एज एन एंटी ऑक्सीडेंट यूज़ किया जाता है आपके पास फ्रोजन फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर। इसके अलावा ये फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है, वाइन्स में यूज़ किया जाता है, कैंडीज एंड जैम्स के अंदर यूज़ किया जाता है हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा हम सिट्रिक एसिड जो है उसको हम ऐड करते हैं दी वेरियस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लाइक लोशन, शैम्पूस, क्रीम्स एंड इवन टूथपेस्ट के अंदर। ठीक है, तो देखिए अब सिट्रिक एसिड को हम बनाएंगे कैसे, प्रोडक्शन के लिए हम क्या करेंगे। तो सिट्रिक एसिड जो है दिस इज़ कमर्शियली प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुक्रोज। ठीक है, कैसे बनाना है इसको, शुक्रोज की फर्मेंटेशन करनी है हमने बाय यूजिंग एस्परजिलस नाइजर। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब भी आप प्रोडक्शन करोगे, ठीक है, फर्मेंटेशन प्रोसेसेस के थ्रू, आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि आपका पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा यूज़ करने जा रहे हैं आप, सेकंड कि आपकी जो आपके पास पीएच रेंज है वो क्या रहेगी। ठीक है, थर्ड हमारे पास कि टेम्परेचर रेंज हमारे पास क्या रहेगी। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास कि हमें वहाँ पे प्रॉपर एरेशन की ज़रूरत है, हमें कौन सी गैसेज वहाँ पर इंट्रोड्यूस करनी है। देन इसके अलावा हमारे पास इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स अगर हमें उनकी रिक्वायरमेंट है, एंड नेक्स्ट हमारे पास कंसनट्रेशन रेंज क्या रहेगी। ठीक है, तो पहली चीज़ कि फर्मेंटेशन हम करेंगे, तो फर्मेंटेशन करनी किसकी है, शुक्रोज की करनी है। ठीक है, और करेगा कौन, दैट दैट कैन बी डन बाय दी एस्परजिलस नाइजर। ठीक है, सो यही आपने बस नाम ध्यान में रखना है। ठीक है, एस्परजिलस नाइजर। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रोडक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपके पास शुगर केन मोलासिस होते हैं, ठीक है, तो सिट्रिक एसिड को बनाने के लिए हम करेंगे, इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन मोलासिस विद द मोल्ड एस्परजिलस नाइजर। ठीक है, शुक्रो हम क्या करेंगे, हम ग्लूकोज लेंगे, ठीक है, फ्रॉम द मोलासिस। ग्लूकोज इज योर C6H12O6। ठीक है, फ्रॉम द मोलासिस। ठीक है, और इसकी हमने फर्मेंटेशन करनी है बाय यूजिंग एस्परजिलस नाइजर। ठीक है, यहाँ से हमारे पास सिट्रिक एसिड जो है इसकी प्रोडक्शन हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो देखिए जो हमारे पास मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड बाय यूजिंग फर्मेंटेशन ऑफ शुक्रोज बाय एस्परजिलस नाइजर। ठीक है, दिस इज़ योर शैलो ट्रे फर्मेंटेशन। ठीक है, इसमें करते क्या, हम क्या करेंगे, जो शुगर बीट मोलासिस होंगे जहाँ पे आपके पास 48 से लेके 52% शुगर उसके अंदर होगा, उसको हम एक मिक्सर के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, वहाँ पे पीएच को आपके पास मेंटेन रखना है, ठीक है, अप टू 6। तो इसके लिए हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डाल देंगे। ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू एडजस्ट द पीएच एट 6। इसके अलावा आप क्या करेंगे, हम वहाँ पे फॉस्फोरस, पोटाशियम और नाइट्रोजन को ऐड कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ एसिड या फिर आपके पास सॉल्ट्स, जो कि आपके पास जो है वो एज अ न्यूट्रिएंट बिहेव करेंगे फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द मोल्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग, अब हम क्या करेंगे, जो आपका मिक्सचर होगा उसको हम डाइल्यूट कर देंगे विद वाटर टू गेट 50-20% शुगर कंसनट्रेशन। ठीक है, अब हमने मिक्सचर को फर्दर डाइल्यूट कर दिया और अब हमने टेम्परेचर जो है उसको रेज करना है अबाउट 30 डिग्री। ठीक है, मैंने आपको कहा था टेम्परेचर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पीएच रेंज, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस तक। अब वहाँ पर हम क्या करेंगे, जो आपके पास स्पोर्स होंगे दैट इज़ योर एस्परजिलस नाइजर की, उसको हम सोल्यूशन के अंदर डाल देंगे। ठीक है, अब जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है आपके पास, इसको मोस्टली आपके पास 8 से 12 दिन लगेंगे। ठीक है, 8 से 12 दिन के अंदर कंप्लीट होगी और जो प्रोडक्शन होगी उसको हम पीएच के थ्रू जो है वो आपके पास चेक करेंगे। ठीक है, पीएच मेजरमेंट के थ्रू हम प्रोडक्शन को चेक करेंगे। ठीक है, जब आपके पास फर्मेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी, एट द एंड जो हमारे पास पीएच होगी दैट विल फॉल्स टू 2। ठीक है, पीएच हमारे पास जो है 2 के आसपास पहुंच जाएंगी, जहां से हम इस प्रोडक्शन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, और टेम्परेचर को हमने मेंटेन रखना है 28 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, 28 और 32 के बीच में हम टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे। ठीक है, तो सिट्रिक एसिड का जो कंटेंट होगा दैट विल वेरी फ्रॉम 10-20% विच इज़ ऑब्टेंड। और अब अगर लास्ट में इसके रिकवरी प्रोसेस की बात करूँ, तो सिट्रिक एसिड जो है इसको हम सोल्यूशन से रिकवर करेंगे और इसको हम लाइम के थ्रू जो है आपके पास प्योरीफाई करेंगे। ठीक है,
सो दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड बाई यूजिंग फर्मेंटेशन ऑफ शुक्रोज बाई एस्परजिलस नाइजर। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड। आपने क्या ध्यान में रखना है कि आपके पास फर्मेंटेशन प्रोसेस हम करेंगे किसकी और करवाएगा कौन। तो करेंगे किसकी, हम शुक्रोज की करेंगे, और करेगा कौन आपके पास, करवाएगा कौन, दैट इज़ योर एस्परजिलस नाइजर। ठीक है, और इसके अलावा हम टेम्परेचर हमने कितना रखना है यहाँ पे, हमें टेम्परेचर को मेंटेन करना है 28 और 32 के बीच में। ठीक है, और पीएच जो है हम इसको मेंटेन करेंगे 6 के ऊपर। ठीक है, और मैंने आपको बताया डाइल्यूशन भी करेंगे हम सोल्यूशन की, और लास्ट में आपके पास जो एंड जब एंड में आपके पास प्रोडक्ट बन के आएगा, ठीक है, जब आपकी फर्मेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, वहाँ पे पीएच जो है वहाँ पे हम चेक करते रहेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड बाई यूजिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस।